गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बी फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आज का टॉपिक है हमारा 21वीं सदी में उभर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसकी प्रकृति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से और विशेषकर सन 2000 के प्रारंभ से, यानी 21वीं सदी के प्रारंभ से ही विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय राजव्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या नवीनतम परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। ये सब का एक अपन एक एक बिंदुवार स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बदल रही है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का शांति एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा विकास के लिए सहयोग के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि 20वीं सदी के दो बड़े विश्व युद्ध और एक लंबे समय तक चलने वाला शीत युद्ध, इससे ये एहसास हो गया, विश्व जनमत को ये अनुभव हो गया कि किसी भी प्रकार से संघर्ष में किसी भी देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए सभी समुदाय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो भी राष्ट्र हैं, सभी शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा विकास की राजनीति पर पूरी तरह से सहयोग करने पर आमाद हैं। उनका पूरा पूरा सहयोग के सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास बन रहा है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि अब विश्व में जो शक्ति राजनीति देखने को जो मिल रही थी, वो अब प्रायः कम नजर आ रही है। यानी शक्ति राजनीति कम और विकास की राजनीति पर ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो विश्व में एक लंबे काल तक शक्ति राजनीति के लिए हर देश ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैनिक परमाणु शक्ति न जाने उग्रतम जो साधनों में विश्वास करते थे, अब वो प्रायः धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका प्रभाव कम हो रहा है या उसकी लोकप्रियता में कमी हो रही है, ठीक है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि भले ही शक्ति की राजनीति का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन जो नाटो था वो, उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है और इसका धीरे धीरे विस्तार भी हो रहा है। पूर्वी यूरोपीय देश हैं, ठीक है, तथा गैर नाटो सदस्य, उनकी भी संख्या वृद्धि हो रही जा रही है। तो समझ सकते हैं कि नाटो का अस्तित्व आज भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यह हम समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो पहले की अपेक्षा और भी 21वीं सदी में एक मजबूत सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सामने आ रहा है, अपनी दृढ़ भूमिका निभा रहा है, विश्व शांति और सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान निभाने में अग्रसर है। यह हमें समझना चाहिए और हमें यकीन भी करना पड़ेगा कि विश्व के सामने ऐसे कई चुनौतियाँ आई, ऐसे कई समस्याएँ आई जिसका परिणत युद्ध में हो सकता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रयासों के फलस्वरूप विश्व को तीसरी विश्व युद्ध से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस संगठन ने विश्व शांति और सुरक्षा के संबंध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फिर अपन ये भी देखते हैं कि 21वीं सदी में जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरना, ठीक है, वहीं और भी देखते हैं जैसे उत्तर कोरिया है, ईरान है, ये भी अपने परमाणु कार्यक्रम है उनको संचालित कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि परमाणु शक्ति का भी एक प्रकार से धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है और दुनिया के कई राष्ट्र इसके साथ संलग्न दिखाई दे रहे हैं। विश्व जनमत का ये भी दबाव बन रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो व्यवस्था बनी हुई थी, अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बहुत ही अपेक्षा है। तीसरी, दुनिया के देश
जिस समय स्वतंत्र हुए थे उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए इस संगठन का लोकतांत्रिकीकरण करना चाहिए तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का इसमें अपना खुद का प्रभुत्व, अपना जो भी सुरक्षा परिषद है वहाँ पर स्थान होना चाहिए तथा जो भी निर्णय प्रक्रिया है, विशेषकर जब वीटो प्रक्रिया हुई इस प्रकार से, तो वहाँ पर लोकतांत्रिकीकरण पर बल दिया जा रहा है। तो आप समझेंगे कि 21वीं सदी में महत्वपूर्ण यूएनओ में सुधार हेतु बहुत बड़ा एक विश्व जनमत दृढ़ हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। ठीक है, विश्व का बहुकेंद्रीय विश्व के स्वरूप में विकसित करने का एक व्यापक उद्देश्य अस्तित्व में है। अब देखेंगे आप कि शीतयुद्ध की समाप्ति से तुरंत बाद विश्व एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में दिखाई देता है, एक ध्रुवीय विश्व के रूप में दिखाई देता है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरता है। लेकिन अब देखेंगे कि 21वीं सदी के बाद से, शुरुआत के बाद से विश्व में हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण शक्तियां, उभरती हुई शक्तियां सामने आ रही हैं, जिसमें आप चीन है, ब्राज़ील है, इंडिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे कई देश हैं जो कि उभरती शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। तो अब इनका जो मुख्य एक अपना जो ध्यान केंद्रित है वो है बहुकेंद्रीय विश्व के रूप में, न कि किसी एक प्रकार के एक ध्रुवीय विश्व या एक केंद्रीय विश्व के रूप में। सबसे बढ़िया जो वर्तमान समस्या जो हमारे सबके सामने अब पनप रही है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए विश्व एकमत और एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे कि आज सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है विश्व के हर एक देश के सामने वो है आतंकवाद। आज आतंकवाद से एशिया ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका खुद इससे ग्रस्त है भयंकर रूप से। इतने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन स्थापित हो चुके हैं और वो पूरी तरह से अराजकता फैलाने की और हमारी जो भी व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ पुरजोर ढंग से काम कर रहा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी एक वैश्विक समस्या है, इसके लिए पूरा विश्व एकमत हो रहा है, उसके खिलाफ एक अखिल, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसके खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हर देश अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो आज सब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरे विश्व लगभग लगभग एक साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे कि जो भी इन आतंकवादी गतिविधियों को या जो भी देश है जो इन आतंकवादियों का जो भी साथ देते हैं, तो उनको आज विश्व कटघरे में खड़ा करके उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और जो भी उपयुक्त लगते हैं ऐसे प्रावधान करके उनके ऊपर इस आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सितंबर 2001 में जब अमेरिका के पेंटागन पर हमला हुआ, दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, नवंबर 2008 में मुंबई हमले हुए, इस प्रकार से हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा ही पाकिस्तान प्रायोजित जिस प्रकार से आतंकवाद हो रहा है, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, तो ये जो आतंकवाद है उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है इसमें, तो विश्व जनमत इसके खिलाफ बहुत बड़ी तीव्र गति से साथ खड़ा है और इस आतंकवाद की सामूहिक लड़ाई में हर देश साथ आ रहा है। साथ ही साथ मानव अधिकारों का जो मुद्दा है वो भी बहुत ही प्रभावित तरीके से विश्व जनमत के सम्मुख और विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के सम्मुख और वैश्विक मंचों पर उसको उठाया जा रहा है। मानव अधिकार तथा उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए तथा विकास के लिए बहुत ही प्रयत्न किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी तथा स्वयं यूएनओ के द्वारा इसके संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कहीं भी कार्रवाई होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में आप देखेंगे तो यूएनओ की जो एजेंसियाँ हैं इसके साथ साथ विश्व जनमत भी और विश्व के सभी देश भी इसके साथ खड़े हैं। और जलवायु परिवर्तन आप देखेंगे पेरिस जलवायु समझौता है, कोपेनहेगन है, इनके अलावा जो भी जितने भी रीजनल कॉपरेशन हैं जो बने हुए हैं सब उस जलवायु परिवर्तन के संबंध में सभी विश्व एकमत हो रहे हैं और उस पर अपनी एक राय रखें। जो भी जलवायु अथवा मौसम या जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्रों के खिलाफ जो भी उसका उल्लंघन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको प्रतिबंधित तथा जितने भी विषैले और विषैली गैसों का जो उत्सर्जन प्रक्रिया है उस पर एक प्रकार के नियंत्रण रखने का एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव समझौते संधि के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में लोकतंत्र अर्थात लोकतांत्रिकीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक उद्देश्य बना हुआ है।
कोई भी देश साम्यवाद की तरफ, अधिनायकवाद की तरफ और भी किसी अन्य तंत्र की तरफ अग्रसर नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपनी डेमोक्रेसी है उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और अपनी जो व्यवस्था है उसका उदारीकरण और पूरे विश्व को एक बाजार के अनुरूप उन्मुख करने के लिए वैश्वीकरण, ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक उद्देश्य के रूप में बने हुए हैं। तो ये सब इस प्रकार से तीव्र गति से प्रगति हो रही है। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कोई भी या ऐसे कोई विरोध या विवाद होते हैं तो उनका भी शांतिपूर्ण साधनों से हल किए जाने पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। आप देखेंगे इसमें छोटे मोटे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी इसमें इस बात में यकीन करने लगी हैं कि अगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई समस्या बनती है या कोई ऐसा विवाद पैदा होता है तो उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, यही उपयुक्त रहता है। दूसरा सबसे बड़ा देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आपको पता होगा, हमने शीतयुद्ध पढ़ा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो अपना अस्तित्व बना हुआ था वो था कि इस जो शीतयुद्ध के दौरान दो गुट बने हुए थे, एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका, किसी भी गुट में शामिल न रहकर अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए दोनों से बराबर की दूरी बनाए रखते हुए, दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखते हुए एक प्रकार से अपनों स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। तो अब आप देखेंगे कि जब शीतयुद्ध भी समाप्त हो गया और 21वीं सदी की शुरुआत से हम देखते हैं तो कई अंतर्राष्ट्रीय विद्वान ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिए थे कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। आप देखेंगे कि भले ही शीतयुद्ध खत्म हो चुका है, मूल उद्देश्य उसका खत्म हो चुका है, लेकिन जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं उनकी जो समस्या है वो सब साझी है। आज आपस में सब सहयोग कर रहे हैं और उसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का देखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग, ठीक है, तथा इनमें जो भी एशियाई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी जो भी देश हैं आपस में अपनी जो भी आवश्यकता है, आर्थिक हैं, सामरिक हैं, राजनीतिक हैं, जो भी हैं, सब एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। तथा अगर इनके ऊपर यानी तीसरी दुनिया के देशों के खिलाफ कोई भी पहली दुनिया के देश अर्थात विकसित देशों के द्वारा जो भी ऐसे कोई उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी खिलाफ कदम उठाया जाता है तो सभी राष्ट्र एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकतांत्रिकीकरण तथा उसमें सुधार हेतु ये बल दे रहे हैं। विश्व में जो भी चुनौतियाँ उभरती हैं उसके सामने ये सब राष्ट्र एक साथ खड़े होते हैं। तो कह सकते हैं कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी पूरी पूरी प्रासंगिकता बनी हुई है, इसको नकारा नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कुछ देश है, जैसे आप सूडान है, सोमालिया है, यमन है, मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनिशिया है, ये बहुत ही एक प्रकार से अशांत क्षेत्र थे, संकटपूर्ण है, विवादग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर शांति प्रक्रिया की जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, उसमें भी शांति स्थापना करने में एक प्रकार की सहायता मिल रही है। अगला देखेंगे आप आर्थिक विकास के लिए सभी स्तरों पर आपसे सहयोग उभर रहे, आर्थिक विकास के लिए सभी स्तरों पर आपसे सहयोग और उभर रही विश्व व्यवस्था का प्रमुख सिद्धांत बन गया है। आप देखेंगे कि अब हर देश अपनी सैनिक शक्ति के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आर्थिक विकास करना चाहता है और आर्थिक विकास के रूप में अपनी आर्थिक शक्ति स्थापित करने के लिए वो हर एक स्तर पर, चाहे रीजनल कोऑपरेशन हो या फिर इंटरनेशनल मतलब पूरा वैश्विक संगठन हो, हर जगह आपसी सहयोग के लिए इस व्यवस्था के साथ खड़ा है तथा निरंतर पूरी तरह से अपना जो एक सतत और टिकाऊ विकास के लिए विश्व के सामने अपना एक साझा लक्ष्य बनाया हुआ साथ में उसके साथ भूमिका निभा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान में 21वीं सदी के बाद से विश्व में राष्ट्रों के अलावा कुछ ऐसे भी हैं गैर राज्यकर्ता, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन प्राय एनजीओ देखेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैर राज्यकर्ता कहेंगे। एनजीओ है, संगठन है, बहुराष्ट्रीय निगम है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको कहा जाता है, इतनी विशाल विशाल हैं कि आप यकीन करोगे कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जिनकी जो ईयरली जो उनका टर्नओवर होता है वो किसी भी एक स्वतंत्र देश के जो जीडीपी होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है।
तो ये जो गैर राज्यकर्ता हैं इनकी भी भूमिका आज विश्व में बड़ी है और किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनकी बहुत बड़ी सक्रियता और अपनी उनका योगदान बढ़ रहा हुआ है। ठीक है, अगली बात करें तो सीटी बीटी का मुद्दा आज भी बना हुआ है, जो संधि परमाणु प्रतिरक्षण संधि के लिए जो बनी हुई है 1996 में, उसका मुद्दा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी भी अमेरिका चाहता है कि विश्व के देश इस पर हस्ताक्षर करें, जो परमाणु शस्त्रों से संबंधित है, परमाणु परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो अभी भी ये मुद्दा अभी भी उलझा हुआ है, तथा अमेरिका आज भी कोशिश करता है कि मैं एक विश्व में पुलिसमैन की भूमिका निभाऊं। ठीक है, यही नहीं, अमेरिका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी निर्णय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अमेरिका द्वारा कैसे प्रभावित किया जा सकता है या अमेरिका कैसे प्रभावित कर सकेगा, इसके संबंध में अमेरिका की कोशिश जारी रहती है। परमाणु अपसरण और निःशस्त्रीकरण का मुद्दा आज भी बना हुआ है, आज भी जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि एनपीटी सीटीपीटी का मुद्दा ज्यों के त्यों बने हुए हैं। परमाणु शस्त्र अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के संबंध में कई देश जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, परमाणु शस्त्रों का हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का है, सब अपना अपना एक अलग अलग दृष्टिकोण या अपना रवैया या दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। तथा परमाणु शस्त्र धारक जो प्रमुख देश हैं, जिनको P5 या Power 5 के नाम से जाना जाता है, विश्व में अपना परमाणु साम्राज्य स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ये हैं मतलब NPT CTBT MTCR SMR जैसी व्यवस्था ही इनके उपकरण है। वो चाहते हैं कि इनके द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए ये अपना दबदबा कायम करने पर पूरी तरह से आगाज है। विकासशील जो भी देश हैं वो आज भी नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, एशिया अफ्रीकी देश हैं, उनके पास तकनीक नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से वो भरपूर हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है लेकिन दोहर नहीं कर सकते, लेकिन जब विश्व में सभी राष्ट्रों में एक स्वतंत्रता की जो आंदोलन चल रहे थे और धीरे धीरे जो भी वैश्विक घटनाक्रम हुआ उसके फलस्वरूप इनको इन सभी तीसरी दुनिया के देशों को स्वतंत्र तो कर लिया, लेकिन इस जो भी उपनिवेशी ताकतें थी यूरोपीय देशों को और अमेरिका देशों को, इनको पता था कि इस देश में आज भी प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से भरमार है, तो उनकी जो नज़र वो गिद्ध की तरह उन देशों पर बनी हुई थी। अब ये देश नए सिरे से ग्लोबलाइजेशन की आड़ में, वैश्वीकरण की आड़ में उन देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यूँ कहा जा सकता है कि जो भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद का पूरी तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका तथा भारत के मध्य सामरिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है, ये भी है, आप देखेंगे कि शीतयुद्ध से पूर्व सोवियत संघ और भारत की अच्छी मित्रता थी, लेकिन 21वीं सदी में देखते हैं कि अमेरिका और भारत बेहद नज़दीक आ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो 2005 जो 2008 में संपन्न हुआ परमाणु सैन्य समझौता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत किसी भी संधि में न तो NPT CTBT में हस्ताक्षर किए थे, न भारत NSG का मेंबर था, फिर भी ये समझौता किया अमेरिका ने भारत से, और धीरे 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 आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद की समस्या पर हो या और भी किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम बदला उसके संबंध में देखा जाए तो अमेरिका और भारत बेहद नज़दीक आ रहे हैं, और विशेषकर अब देखा जाए पिछले 2-3-4 सालों से देखा जाए तो जिस प्रकार के चीन का दक्षिण चीन सागर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप चीन का बढ़ रहा है, तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए आज एक समूह बनने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देशों की एक जो मित्रता एकजुट होकर जिस प्रकार से नवीन स्वरूप में सामने आ रही है, तो समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत के मध्य सामरिक भागीदारी जबरदस्त तरीके से वृद्धि हो रही है। फिर एक G4 जिसमें आप ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान जिसको कहा जाता है G4 ग्लोबल फोर, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान, अब ये चारों देश हैं, ये इनकी लंबे समय से मांग चल रही है कि इनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता है, जिनके पास वीटो पावर है,
उसमें इन चारों देशों को भी अपनी जगह दिया जगह दी जाए या उसकी पूरी पूरी सदस्यता प्रदान की जाए। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान को इसकी दावेदारी का पूरा पूरा हक बनता है और हक जता रहे हैं। फिर भी कुछ उत्तर दक्षिण के अर्थात विकसित और अविकसित देशों के मध्य कुछ मुद्दे बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ ऐसे जो प्रमुख वैश्विक उभरती शक्तियाँ हैं, उन्होंने अपना एक छोटे समूह या रीजनल कोऑपरेशन बनाया है। जैसे आप देखेंगे इप्सा है, ब्रिक्स है, संघाई है, संघाई सहयोग संगठन SCO है, ऐसे संगठन देखने को भी मिल रहे हैं हमको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संबंधों को अब प्रमुखता दी जाने लगी है। पहले कभी पहले हमेशा सैनिक और सामरिक तकनीक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अब उसकी जगह आर्थिक संबंधों को प्रमुखता पर दिया जाने लगा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुखता थी वो बदलकर आर्थिक संबंधों पर प्रमुखता आ गई है, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय कुछ व्यवस्था की नवीनतम जो हमारे सामने एक दृष्टिकोण आ रहा था उसका स्वरूप मैंने आपको स्पष्ट किया। फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं आज भी 21वीं सदी में, फिर भी हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चुनौतियाँ उभरी हैं। कौन कौन सी? आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसका कुशल और सही ढंग से उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुकेंद्रवाद पर आधारित विश्व व्यवस्था का विकास अभी तक नहीं पूरी तरह से हो रहा है, मानवाधिकार है, पर्यावरण की सुरक्षा है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे यूं के त्यों बने हुए हैं, उत्तर दक्षिण के संबंध का अभी तक न्यायुक्त नहीं बन पाए हैं, परमाणु निःशस्त्रीकरण की पूरी तरह से हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, विश्व शांति और सुरक्षा में पूरी तरह से दृढ़ता नहीं बन पा रही है, UNO में सुधार नहीं हो रहा है, नव उपनिवेशवाद, परमाणु नव उपनिवेशवाद तथा आर्थिक सांस्कृतिक नव उपनिवेश शक्तियों को पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, इसको नियंत्रण नहीं रख पा रहे। तो समझ सकते हैं कि ये कुछ समस्या भी बनी हुई, चुनौतियाँ भी बनी हुई है जिनका निराकरण हमें अति आवश्यक है। तो ये हमने सभी समझी कि जो भी एक 21वीं सदी के प्रारंभ में जो भी घटनाक्रम और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जिस दिशा की तरफ जा रही है वो तथा उनकी चुनौतियों के संबंध में डिस्कशन।